तो क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने पोल डाला था कि आपको मैथ्स और हिस्ट्री के अलावा और कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट्स आए थे फिजिकल साइंस के ऊपर। तो फिजिकल साइंस में आपके पास दो पोर्शन है, एक तो फिजिक्स हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया। फिजिक्स में मैंने ऑलरेडी बिहेवियर ऑफ गैसेस कंप्लीट करा रखे हैं, आपका जो थर्मल फेनोमेना चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट करा रखा है। उसके अलावा अभी मैं डालना शुरू करूँगा फिजिक्स में भी। फिलहाल मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ केमिस्ट्री के पोर्शन से, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड एक भी वीडियो अभी तक मैंने नहीं बनाया है अपने चैनल के ऊपर, इसलिए ज़रूरी है कि मैं पहले उसको स्टार्ट कर लूँ, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने फिजिक्स के चैप्टर के साथ। मैं सबसे पहले फिजिक्स में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी टाइम टेकिंग भी है, इसलिए उसको एकदम आराम में स्मूथ वे में आपको मैं पढ़ाता चला जाऊंगा। टेंशन ना ले, सब चीज़ क्लियर होते चली जाएगी आपकी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल, या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बिना किसी जाए के ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको करना एक छोटा सा काम, चैनल पर अगर नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं अगर अगला वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा कॉपी कलम निकालिए, अपनी कहली को उठाकर किनारे पटक दीजिए, ठीक है, और कॉपी में हेडिंग डालिए पीरियोडिक टेबल। देखिए जैसा कि हमें क्या पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक वर्ड से आपको एक चीज़ तो समझ में आ रहा होगा कि भैया एक टाइम पीरियड की बात है। पीरियोडिक हम लोग टाइम पीरियड के बोलते हैं, एक खास टाइम पीरियड को हम लोग पीरियडिक बोल देते हैं। अगर कोई चीज़ एक खास टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है तो हम लोग बोलते हैं ये पीरियडिक है, हर एक टाइम के बाद ऐसा होते जाता है। जैसे ये संडे क्या है, हर छः दिन के बाद संडे आना है, तो ये क्या है, संडे का आना एक पीरियडिक चीज़ है। समझ में आता है, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल समझाया मैंने आपको, ठीक है। अभी देखिए पीरियडिक टेबल किसके लिए आया था, ये आया था हमारे नॉन एलिमेंट्स के लिए, जो एलिमेंट्स हमारे नेचर में हमने खोज रखे थे। अब ये मत पूछ लेना कि सर एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है, ये मत पूछ लेना। ये सारी चीज़ आपको लोअर क्लास में पढ़ा रखी है, एलिमेंट्स क्या है, कि एलिमेंट्स वगैरह हमारे बॉडी में पाए, जैसे कि बोला जाता है कैल्शियम है, तो कैल्शियम की कमी होने से क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है ना, इस तरह के और भी बहुत सारे सोडियम है, पोटास है, फॉस्फोरस वगैरह, जिसके हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस सारे एलिमेंट्स की। ये तो क्लियर है, रुको जाओ इसको लगा ही देते हैं। हाँ, तो उसको तो हमने लगा दिया फिलहाल, ठीक है। तो ये था अभी फिलहाल जो हमारा चैप्टर से पीरियड टेबल। अब देखो जब एलिमेंट्स जब डिस्कवर हो रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स के क्या थे ना, प्रॉपर्टी डिफरेंस थे। पॉइंट्स को नोट डाउन करोगे, ये आपका सवाल बनता है एक कि पीरियडिक टेबल यानी कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना क्यों ज़रूरी था। तो ज़रूरी इसलिए था मेरे भाई, ये इसलिए था, पहला पार्ट कि सारे एलिमेंट्स के पास ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। लिखो यहाँ पर, एवरी एलिमेंट हैज़ डिफरेंट, एवरी एलिमेंट्स, ये फिर ऐसे लिख सकते हो, एवरी एलिमेंट्स हैव देयर ओन इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, एवरी एलिमेंट्स हैव देयर ओन इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि सारे ही एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज अलग अलग है, लेकिन हमें एलिमेंट्स अगर यूज़ करना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि भाई किस एलिमेंट्स का क्या प्रॉपर्टीज है। आज के टाइम में हमें पता है कि कैल्शियम की कमी की वजह कर हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो अगर हमें बॉडी में अगर हड्डी को मजबूत बनाना है तो हमें बाहर से कैल्शियम को प्रोवाइड करना होगा, ये हम जानते हैं। अगर हम ये जानते ही नहीं तो क्या होता, हम ना तो वो बीमारी जान पाते ना उसका सोल्यूशन जान पाते, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। इसी वजह से ये जरूरी था कि हम लोग एलिमेंट्स को क्लासीफाई करें, और ये इसलिए भी जरूरी हो गया कि भाई सारे एलिमेंट्स का तो प्रॉपर्टीज अलग है, तो हमें कुछ ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिसके थ्रू हम सारे एलिमेंट्स को ईजी वे में सब प्रॉपर्टीज़ को याद कर पाए, क्योंकि किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को रट ले, ये याद कर ले, ये ओवरऑल भाई पॉसिबल है नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी एट द प्रेजेंट टाइम हमारे पास नॉन एलिमेंट्स 118 है, ठीक है, 118 टोटल एलिमेंट्स हैं जो आपको पीरियडिक टेबल में देखने को मिल जाएंगे। इसमें से कुछ पीरियडिक टेबल, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरल हैं, जो नेचर में ऑलरेडी ऑकर हुए पहले से, कुछ ऐसे हैं जो नेचुरल नहीं है, उसको हमने किसी हिसाब से एडजस्ट किया, वो आगे चल के हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर यहाँ तक कहानी। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके पीछे बहुत हज़ारों की तादाद में साइंटिस्ट ने कोशिश की कि हम लोग इसको भाई क्लासिफाई करते हैं, बट आपके सामने कि कुछ चार से पांच ही साइंटिस्ट के नाम आए हैं जो बहुत हद तक सक्सेस हुए थे, ठीक है, या जिसका आपका कंसिडरेबल था कि भाई हाँ इसको हम लोग स्टडी में ला सकते हैं, उन्हीं के बारे में आपको दिया गया है। तो ये मत सोचना कि भाई सिर्फ ये चार पांच साइंटिस्ट ही थे जिन्होंने पीरियड टेबल को क्लासिफाई किया था, नहीं, ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा, इसके पीछे बहुत सारे लोग थे, सारे लोगों का नाम सामने आता नहीं है। अब ऐसे भी हज़ार लोगों का नाम अगर दे दिया जाए तो आपका सिलेबस में अकेला जो पीरियड टेबल का चैप्टर होगा ना, वही आपके लिए 100 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। हाँ चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डोबेरिनियस ट्राइड से। आपके बुक में लेवाइजेस क्लासिफिकेशन करके भी कुछ दिया गया है, उसको फिलहाल के लिए इग्नोर करें, मैं उसको कभी फिर समझा दूंगा। उसे बेसिकली आपके 10th बोर्ड में तो क्वेश्चंस नहीं बनते, इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है।
कोई डॉट नहीं है, आगे देखते हैं। डोबरीनस ट्राइड जब शुरू हुआ था, डोबरीनस साइंटिस्ट का नाम है भाई हमारे, ठीक है, डोबरीनस ट्राइड जब आया था तो उस वक्त एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें नहीं पता है कि कितना था, बट एक अंदाजा है हमारे पास कि उस वक्त जो एलिमेंट्स थे वो लेस देन 33 थे। लेस देन 33 एलिमेंट्स उस वक्त मौजूद थे जब डोबरीनस ने हमारा क्लासीफाई करना शुरू किया था, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट मिटा दूँ, इतना तो हो गया होगा, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लिख रहे हैं साथ साथ मेरी, हाँ लिखते चलिएगा, वीडियो को पॉज करके लिखते चलिए, जो जो मैं बोल रहा हूँ उन बातों को बोलते चले मेरे साथ, रिपीट करें, ठीक है, तो आपको चीज़ें याद होती चली जाएगी। और ये चैप्टर बड़ा ही मजा आने वाला है, इस चैप्टर में एकदम गारंटी साथ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डोबरीनस ट्राइड्स के बारे में। लेस देन 33 एलिमेंट्स उनके पास मौजूद थी, उन्होंने कहा कि भाई हम एक काम करते हैं, हम एलिमेंट्स को लेते हैं और उनको उनके एटॉमिक वेट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग उसको सजा देते हैं, ये उन्होंने कहा। उन्होंने क्या कहा, वी अरेंज एलिमेंट्स, लिखो साथ साथ लिखो, वी अरेंज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू डोबरीनस ट्राइड, ऐसे लिख लो, अकॉर्डिंग टू डोबरीनस ट्राइड, चलो पूरा लॉ ही लिख लेते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू डोबरीनस ट्राइड व्हेन वी अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, लिखो जल्दी, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं देन द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, लिखो देन द एवरेज एटॉमिक वेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पूरा लिखो, देन द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, देन द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट गिव्स एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट, यानी कि जो बीच में एलिमेंट है उसका आपको मिल जाएगा, ऑफ द मिडिल एलिमेंट, तो ये उन्होंने कहा, इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि हमको एलिमेंट्स किस में अरेंज करना है, उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, यानी कि सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये हमारा ऑर्डर रहेगा। देन क्या होगा, जो पहला एलिमेंट है या जो लास्ट एलिमेंट है, ये ग्रुप थ्री का है ना, वी अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ ये एक चीज़ यहाँ पे मिस, इन्होंने देखो डोबरीनस क्या नाम इनका ट्राइड्स है, ठीक है, तो इन्होंने तीन तीन का पेयर बना करके एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है, ये इनका लॉ का स्टेटमेंट, आप इसको उतारिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो इनका एक तो एग्जांपल्स है, एक एग्जांपल इनके पास था, ये लिथियम लिया इन्होंने, सोडियम लिया, उसके बाद पोटाशियम लिया, टेंशन ना ले, मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जिससे मैं आपको इजीली पीरियोडिक टेबल को बहुत फनी वे में याद करा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इनका एटॉमिक वेट देखिए, लिथियम का एटॉमिक वेट आपके पास 7 है, सोडियम का एटॉमिक वेट आपके पास 23 है, और इनका एटॉमिक वेट आपके पास 39। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एटॉमिक वेट का, मैं दो और सेट्स लिखता हूँ जिन्होंने प्रोवाइड किया था हमें, एक कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, उसके बाद बैरियम है, ठीक है, इनका 40 है, इनका 88 है और इनका 137 है। इसके बाद एक पेयर इनका था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका एटॉमिक वेट था 35.5, इसका एटॉमिक वेट था 80, इसका एटॉमिक वेट था 127। देखो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कहीं पे डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये इन्होंने बोला था, ठीक है, ये तीन पेयर्स थे इन्होंने बनाया। अब इन्होंने बोला भाई इसका और इसका एवरेज निकालो, चलो एवरेज निकालते हैं, 39 प्लस 7 का हम लोग एवरेज निकालते हैं, 39 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, एवरेज ऐसे ही निकलता है। अब उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि हम ये जो एवरेज निकाल रहे हैं पहले और लास्ट का, वो तीसरे वाले का हमारा आ जाना चाहिए, ये तो एग्जैक्ट आएगा या फिर अप्रॉक्स आएगा, अप्रॉक्स आप समझते हो थोड़ा सा आसपास होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि एकदम दूर हो, ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व करके हमारा 25 आ जाए भाई आंसर तो 23, ऐसा नहीं होगा, अप्रॉक्स वैल्यू मतलब हो सकता है 23.2 आए, 23.3 इस तरीके से, या फिर ऐसा हो सकता है 22.8, 22.7, ये एवरेज वैल्यू में कंसिडर होता है हमारा, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू में। देखो इसको निकालते कितना आएगा, 37 और प्लस 7 कितना होने वाला है, तो ये हो गया 4, 7 14 हो गया, 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई, ओ सॉरी यहाँ पर 9 है आपका ना, तो 9 और 9 7 कितना होता है, 16 का 6, ये हो गया 46/2, ये देखो ये तो एग्जैक्ट आ गया। तो इनका जो पहला एक्सपेरिमेंट था, जो पहला पेयर था, वो बिल्कुल सही हुआ इनके साथ में, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन था, इन दोनों का एवरेज निकालो, ये आएगा, फिर इनका निकालो, ये सब ठीक है, लेकिन इनके कुछ पेयर्स ऐसे थे जहाँ पर क्या हो रहा था ना कि भाई ये जो हम लोग एवरेज निकाल रहे थे वो बिल्कुल ही ज़्यादा आ जा रहा था, मतलब यहाँ पर 80 आना चाहिए लेकिन 82 आ जा रहा था, 82 आ रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इनका जो ये कंसेप्ट था कि अगर हम लोग तीन का पेयर्स लेके इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देते हैं, पहले और लास्ट वाले का आपका अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं तो बीच वाले का एटॉमिक वेट आ जाएगा, ये कुछ जमा नहीं, ये ख़त्म हो गया। और एक प्रॉब्लम ये हुआ था कि इन्होंने बिना किसी रीज़न का, पहले इन्होंने अपने लॉ में क्या बोल रखा है कि भाई हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है,
उन्होंने क्या किया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया एटॉमिक वेट को, और इसके पीछे कोई रीज़न भी नहीं दिया। अब ऐसे तो बात चलेगा नहीं, आप पहले बोल रहे हो कि पहले ये करो, उसका रीज़न आप दे दिया, फिर आपने जस्ट अपने बाद आपका मन हुआ आपने उस लॉ को चेंज कर दिया, तो आपको उसके पीछे का रीज़न देना पड़ेगा, प्रूफ भी देना पड़ेगा आपने ऐसा क्यों किया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं बताई, जिसकी वजह अगर इनका जो लॉ था उसको बाद में इनवैलिड करा दे दिएगा, मतलब वो सक्सेस हो नहीं पाया जाता। तो आप एक बार इसको उतार लीजिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ न्यूलैंड्स लॉ की तरफ। ठीक है, देखिए न्यूलैंड्स लॉ में आते हैं हम लोग, मिटा देते हैं इसको, है ना, बहुत अच्छी बात है, चलिए इसको मिटाते हैं हम। न्यूलैंड्स लॉ ने क्या किया, न्यूलैंड्स लॉ थे हमारे थे जो न्यूलैंड हमारे साइंटिस्ट थे, इन्हें संगीत का बहुत ज़्यादा शौक था। अब ये थे भाई अंग्रेज हमारे, हमारे हिंदुस्तान के थे तो नहीं, हिंदी तो नहीं आती थी नहीं, ये अंग्रेज के थे, तो जिस तरीके से हमारे जो हिंदी संस्कृति में जो हमारे गाने का कल्चर है, जो क्लासिकल सॉन्ग जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, सारे गामा पा जो हम लोग जानते हैं इसको, ये हमारे पास आठ सुर होते हैं, सात होते हैं ना, सॉरी सात होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, ये सात हुआ और एक आठ लास्ट में सा, इस तरह से जहाँ शुरू होता है वहीं पे ख़त्म हो जाता है, रिपीट ऐसे होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, सा के बाद फिर वही रिपीट होगा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरीके से रिपीट होता है, जो ये करते हैं उनको मालूम है, ये ऐसा होता है, नहीं पता मैंने आपको बता दिया। अब उनका क्या था, उनका दूसरा था, वो तो अंग्रेज आदमी थे भैया, उनका था डो रे लीमा, ठीक है, लीमा सो ला टी डो, ठीक है, डो से शुरू हुआ डो पे ख़त्म हो गया, डोरे लीमा सोला टी डो, ये अंग्रेजी के हैं, ये अंग्रेजी के टोन से आपके, तो ये तो गाने के शौकीन थे, गाने के शौकीन, देखिए मैं कितना नोट से, आठ नोट्स आपको दिख रहा है, ठीक है, आठ नोट्स आपको दिख रहा है, आठ नोट्स से यहाँ से सारे गामा से सा तक ख़त्म हो गया, तो इन्हीं इसका नाम है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स के माने ही होता है आपका आर्ट्स। तो इन्होंने कहा, लिख लो सर आप स्टेटमेंट लिख लो, मैं बोलता हूँ, लिख लो, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, When we arrange the elements in their increasing order of atomic weight, ठीक है लिखो, according to Newland's law of octave, when we arrange the elements in their increasing order of atomic weight, then the property of first element matches the elements which comes at eighth position. ये मैंने आपने लैंग्वेज जब बोल दिया, आप किताब में देखोगे लैंग्वेज आपका अलग भी मिल सकता है, ठीक है, उन्होंने बोला कि पहला नंबर पर जो एलिमेंट्स होगा उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगा जो कि आठवां नंबर पर प्रॉपर्टी आने वाला है, ये एक शॉर्टकट उन्होंने बता दिया, मतलब अगर आपको इसका प्रॉपर्टी मालूम, यहाँ से गिनती शुरू कीजिए, आठवें नंबर पर जो एलिमेंट आ रहा है उसका प्रॉपर्टी भी सेम वही होगा जो इसका होगा, मतलब अगर आपको ये याद है तो आठवें नंबर पर जो आना है वो आपको पता रहेगा, ठीक है, सेम हो गया। फिर अगर आप मान लो रे का आपको याद है तो यहाँ से आप काउंट करना शुरू करो, आठवें नंबर पोजीशन पर फिर कौन मिलेगा, नीचा करके रे मिलेगा आपको, सेम हो रहा है। इस तरीके से उन्होंने बोला भैया कि ये आपका सेम मिलेगा, यहाँ शुरू करें आठवें नंबर, यहाँ शुरू करोगे आठवें नंबर पर जो एलिमेंट आएगा उसको प्रॉपर्टी गा से सेम मिलेगा, माँ से शुरू करो आठवें नंबर पर जो भी एलिमेंट आएगा उसका प्रॉपर्टी आपका सेम वही होगा जो माँ का प्रॉपर्टी होने वाला है, इस तरीके से उन्होंने बताया आपका। तो ये काफ़ी हद तक सक्सेस भी हुआ था। जब न्यूलैंड्स ने अपना लॉ दिया था तो उस वक्त जो एलिमेंट्स की तादाद थी वो थी हमारे पास 56 एलिमेंट्स। ये छोटी छोटी चीज़ें नोट्स करते चलोगे, ठीक है, एमसीक्यूज में क्वेश्चंस बनते हैं सारी चीज़ों के, आपको साल याद की जरूरत नहीं कि किस साल में कौन सा लॉ दिए गए, नो, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता है भाई, हिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आप क्या करोगे, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो ये 56 एलिमेंट्स उस वक्त थे जब इन्होंने दिया था, तो मस्त एकदम आठ लाइन का रॉ बन गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, एक प्रॉब्लम इनके साथ भी हुआ थी कि इन्होंने भी क्या किया, कहीं कहीं पर बिना कुछ रीज़न दिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया एटॉमिक वेट के एलिमेंट्स को, लॉ में बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर होने चाहिए, खुद क्या किया डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया, तो मार तो था वहाँ पर रखा हुआ था, मतलब झमेला हो गया पूरा, कहा है क्या ऐसा, ये बेचारे कुछ बोल नहीं पाए, सैड हो गए। फिर भी लॉ इनका बड़ा अच्छा काम कर रहा था। प्रॉब्लम तब हुई जब नोबेल गैस का इन्वेंशन हो गया, आपका डिस्कवरी हो गई थी। अब नोबेल गैस क्या होता है वो सारी चीज़ें हम लोग आगे के लेक्चर में बात करेंगे, फिलहाल इतना समझो एलिमेंट्स का एक पर्टिकुलर ग्रुप हमारा डिस्कवर हुआ था, उसको हम लोग एकदम अलग ही वे में बनाए, जैसे ये आठ हमारे पास देख सकते हो कि आठ रॉ हम लोग बना सकते हैं, आठ कॉलम वगैरह, एक और यहाँ पर ऐड हो गया नोबेल गैस के नाम से, ठीक है। तो बाद में हमारे 56 एलिमेंट्स स्टार्टिंग में थे, इनके लॉ देने के बाद इसको हटा देते हैं, इनके लॉ देने के बाद क्या हुआ कि इसमें प्लस 9 और एलिमेंट्स ऐड हो गया, तो 56 का प्लस 9 कितना होगा ज़रा बताओ, हाँ नहीं 9 नहीं होगा, ये 7 होगा, ठीक है, 7 एलिमेंट्स ऐड हो गए क्योंकि टोटल एलिमेंट्स बाद में 63 बन गए,
तो ये प्रॉब्लम हुआ कि इनका क्या, ये लॉ में क्या बोले थे कि आठवें नंबर पे जो एलिमेंट आएगा उसका प्रॉपर्टी ठीक पहले वाले के जैसा होगा, लेकिन जैसे ही नोबेल गैस आया तो यहाँ पर हमने एक रॉ हमारा और बढ़ गया, ठीक है। उससे क्या हुआ कि इनका लॉ के रिगार्डिंग ये प्रॉपर्टी क्या हो रहा था, एक आठवें नंबर के बजाय नौ नंबर पर रिपीट हो रही थी, ये ख़त्म हो गया। और इनको टाइम भी नहीं मिला कि भाई मैं लॉ को मॉडिफाई करूँ, तो इस वजह से इनका लॉ हमारा ख़त्म हो गया। लेकिन एक चीज़ आप याद रखोगे, न्यूलैंड्स लॉ, इसको यहाँ पर लिख लो यहीं पर गार्ड बांध के, वैलिड कहाँ तक, ये वैलिड, वैलिड अप टू 20 एलिमेंट्स, मतलब 20 एलिमेंट्स तक आपका वैलिड है। और 20 पर कौन आता है, कैल्शियम आता है, यानी कि अगर आप एक से लेकर शुरू करते हो एलिमेंट्स को काउंट करना तो 20वें नंबर पर जो एलिमेंट आएगा वो आएगा कैल्शियम। तो एक से लेकर 20वें एलिमेंट तक हमारा न्यूलैंड्स लॉ बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, यानी कि पहले नंबर पर जो भी एलिमेंट्स है आठवें नंबर पर जो आएगा उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम आपको मिलने वाला है। ये कहाँ तक चलने वाला है, सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि भैया कितने एलिमेंट्स तक न्यूलैंड्स लॉ आपका वैलिड है, तो अप टू 20 एलिमेंट्स, क्लियर है सारी चीज़ें, इसको भी उतार लीजिए। फिर हम लोग एक छोटा सा झलक ले लेते हैं आपने मेंडेलीव्स के लॉ का, ठीक है, चलेगा कहानी, आइए आगे बढ़ाते, ठीक है। चलिए देखिए मेंडेलीव्स क्या था ना, मेंडेलीव्स वो पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने आपको एलिमेंट्स को क्या किया, उन्होंने ट्राई किया कि भाई हम एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल की सर्कल में सजाएंगे, यानी कि उन्होंने सबसे पहले ये विजन लिया कि भाई हम लोग एक काम करते हैं, इसको रॉ और कॉलम की शक्ल में हम लोग सजा देते हैं। तो ये काफ़ी सक्सेस भी हुआ था, इनको फादर ऑफ पीरियडिक टेबल भी बोला जाता है। बट हाँ, वो नहीं हो पाता सक्सेस अगर ये हेनरी लॉ हमारे, हेनरी साहब हमारे एंटर नहीं मारते, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इन्होंने क्या बोला, ये थोड़ा सात्विक था, इन्होंने देख लिया सबका खटिया खड़ा हो रहा है, तो वो बोले एक से लेकर आठ तक जा रहा है, तो क्या हुआ, नौवा एलिमेंट डिस्कवर, फिर एक रॉ और ऐड हो गया। ये बोला ऐसा ना हो कि मैं बोलूं कि एक एलिमेंट से शुरू करो तो नौ नंबर पे जो आएगा उसका प्रॉपर्टी सेम होगा, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था। फिर अगर ऐसा हो गया फ्यूचर में, चला कुछ और एलिमेंट्स अगर वहाँ डिस्कवर हो गया और वहाँ पे फिर नौ के बजाय दस पे रिपीट होने लगा, ये अगर हो गया तो इन्होंने सिंपल बोला, इन्होंने सिंपल इसका इनका स्टेटमेंट लिख लो, उसको मैं आपको बता देता हूँ। इनका स्टेटमेंट लिखो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, अरे लिखो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, लिख लिया, फिर से बोल देता हूँ एक बार, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। क्या बोला मैंने, पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, पीरियडिक फंक्शन। तो पीरियडिक वर्ड का मैंने पहले ही आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में मीनिंग समझा दिया था। पीरियडिक के माने क्या है कि भाई एक खास वक्त के बाद एक चीज़ रिपीट होती रहती है आपकी, जैसे कि हमारा फेस्टिवल है, ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके समझ में आएगा आपको, जैसे दुर्गा पूजा ले लो, ईद ले लो, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि दुर्गा पूजा हर साल नवंबर के महीने में ही आता है, वो रोटेट हो रहा है, बट एक खास टाइम पीरियड के बाद, लेकिन जब भी दुर्गा पूजा आएगा साल में तो भाई वो अपना 12 महीना कंप्लीट करने के बाद ही आता है, ये क्लियर है, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी होता है कि भाई एक ही मंथ में पड़ जा रहा है, कभी नवंबर में हुआ पीछे आ जाता है टाइम, अक्टूबर है, सितंबर है, अभी इस बार आपने को अगस्त के एंड में या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में दुर्गा पूजा देखने को मिल सकता है, ठीक है। ईद को ले लो, तो ईद कभी जुलाई में होता है, पीछे आता जून हो जाता है, अभी क्या हो रहा है, अभी मई अप्रैल मई में ईद हो जा रहा है आपका, ये चीज़ें तो इस तरीके से चला जा रहा है। तो एक खास वक्त के बाद ये रोटेशन हो रहा है, तो इस खास वक्त के बाद जो रोटेशन होता है उसको हम लोग सिंपली पीरियडिक बोलते हैं। तो ये बहुत सियाने आदमी थे, इन्होंने बोला कि एक खास वक्त के बाद, इन्होंने बोला कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं, बात को गौर सुनोगे, ठीक है, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं एटॉमिक वेट के, तो किसी एक एलिमेंट को शुरू लेते हुए अगर वहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे तो एक खास वक्त के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हमारा वो रिपीट करेगा। सिंपल है, अब वो आठ भी ले लो, सात ले लो, नौ ले लो, कुछ भी लो, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा था उसी चीज़ को, इसने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ये किया, तो आपको सुन के लग रहा होगा वाह बहुत अच्छी बात है, इन्होंने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। इन्होंने एक पीरियडिक टेबल दिया भी था, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, उसको आप गौर से देखिए, ये उनका ओरिजिनल पीरियडिक टेबल था, इसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलीव्स ओरिजिनल पीरियडिक टेबल जो उन्होंने बनाया था। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ऊपर में एक रॉ है, फिर कॉलम्स भी आपका, और कॉलम्स के अंदर आपको दिख रहा होगा कि सब ग्रुप्स बने हुए, ठीक है, ए और बी बने हुए ना, बने हुए कि नहीं, गौर से देखो। अभी मैं ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स की बात करूँगा, फिलहाल आप रॉ कॉलम्स को समझो, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अच्छे तरीके से। ये उन्होंने दिया था, बट इनके साथ भी एक प्रॉब्लम हो गया था। इसमें आप एक जरा एक जगह पे गौर करो तो आपको ये दिखाई देगा, ठीक है, मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, उसको आपको दिखाई देगा। एक जगह पर एलिमेंट है, अब थोड़ा यहाँ देख लो, एक जगह पर एलिमेंट है आपका जिसका नाम है टिल ल्यूरियम, ठीक है,
टिल्यूरियम और उसके बाद ठीक है आपका आयोडीन। तो टिल्यूरियम का जो आपका ये है एटॉमिक वेट है वो है 127.6 ओके, और आयोडीन का जो एटॉमिक वेट है वो है आपका 126.9। अब ये देखो उन्होंने कहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, मतलब आयोडीन को पहले होना चाहिए था टिल्यूरियम से, बट उनके पीरियड टेबल में क्या दिख रहा है भाई टिल्यूरियम पहले है आयोडीन से, मतलब इन्होंने भी वही मिस्टेक किया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया एटॉमिक वेट के, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट किया इनके सामने, और इसका ये कोई रीज़न नहीं दे पाए, ये भी रीज़न देने में फेल हो गए कि ऐसा भाई क्यों आखिर ओके। और इसके रिलेटेड बहुत सारे सवाल उठे थे इनसे, आइसोटोप्स के बारे में भी सवाल उठे कि भाई आइसोटोप्स का तब क्या होगा, आइसोटोप्स आप जानते हो एक ही एलिमेंट्स के आप कैसे प्रजाति हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक वेट क्या होता है डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन को देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इनका एक आइसोटोप पाया था C6-12, एक होता है C6-13, एक होता है C6-14, यानी कि एक का एटॉमिक नंबर 12, एक का 13, एक का 14। तो भाई ये भी तो हम लोग रख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में अगर आप एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग सजा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया था इनके साथ ठीक है। ये मैं डीमेरिट्स बता रहा हूँ आपको कहीं कहीं हिंट्स दे करके, ये एक डिमेरिट इसका हो गया, आइसोटोप्स को उन्होंने जगह दिया नहीं, रीज़न भी नहीं दिया, एक तो ये कि बिना रीज़न के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया, और एक सबसे बड़ा इनके साथ प्रॉब्लम हो गया हाइड्रोजन का, ये तो भैया उपद्र किस्म का आदमी है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं नॉटी एलिमेंट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है नॉटी एलिमेंट्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है अबू जल्दी बोलो साथ साथ बोलो मेरे नॉटी एलिमेंट्स। अब इसका रीज़न है ना अगले लेक्चर में और अच्छा क्लियर होगा, मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ, हाइड्रोजन के पास दो तरह का नेचर पाया जाता है, एक तो भैया ये एज अल्कली भी बिहेव कर सकता है, अल्कली मेटल के साथ बिहेव करता है ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, इसके पास पावर्स है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इसके अलावा ये क्या है ये नोबल गैस की तरह भी रिएक्ट करता है, यानी कि न्यूट्रल भी हो जाता है कहीं कहीं पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो इसके पास दोनों का नेचर था ठीक है, इसलिए इसको नॉटी एलिमेंट बोलते हैं, चूंकि हाइड्रोजन के पास अल्कली मेटल और नोबल गैस दोनों के नेचर से इसलिए हम लोग इसको नॉटी एलिमेंट बोलते हैं, इन डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अब क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया मेंडलीव साहब ने, इन्होंने बिना किसी रीज़न के हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के साथ रख दिया। अब बाकी साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किया कि आपने उसको अल्कली मेटल के साथ ही क्यों रखा, नोबल गैस के साथ क्यों नहीं रखा, क्योंकि भाई इसका प्रॉपर्टी तो नोबल गैस के साथ ही मैच कर रहा है, पॉइंट्स पकड़ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी दोनों के साथ मैच कर रहा था तो आपने सिर्फ अल्कली मेटल के साथ ही उसको क्यों रखा, आखिर नोबल गैस के साथ क्यों नहीं रख दिया क्योंकि उसके साथ ही प्रॉपर्टी मैच हो रहा है, तो उनके पास इस चीज़ का भी कोई जवाब नहीं था। तो आखिर किस तरीके से इन सारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया और किस तरीके से हेनरी मोज़ले ने उनका मदद किया, तो वो एक सपोर्टिव कैरेक्टर है हमारी इस पूरी कहानी में जो आपको आगे चल के बहुत मजा आएगा। तो फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही, आज के एपिसोड में हमने देखा किस तरीके से डुब्रिनस की कहानी शुरू हुई, फिर न्यूलैंड्स आए, उसके बाद मेंडलीव्स ने हमारे एंट्री मारी लेकिन वो भी अब फंस गए हैं, तो उनको इस मुसीबत से निकालने के लिए कौन आने वाले हैं, हेनरी मोज़ले साहब आने वाले, लेकिन वो अकेले बंदे नहीं हैं जिन्होंने इस मुसीबत से मेंडलीव को निकाला था, उनके साथ कोई और भी है, उनके बारे में हम लोग बहुत जल्द बात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें, टेक केयर, टिल देन गुड बाय।